ओके नाउ आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ डायलिसिस एजेंट वाया इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, एक हमारी नर्स है, एक डायलिसिस एजेंट को इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। ओके, इन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द क्लाइंट बिफोर द थेरेपी। ओके, बिफोर थेरेपी कौन सी पोजीशन में रखेंगे क्लाइंट को। ओके, देखना आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है आपके पास सेमी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन सी है ट्रेंडनबर्ग पोजीशन और ऑप्शन डी है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। देखिए, एक नर्स है जो कि इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी बिफोर द प्रोसीजर कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखा जाएगा, कृपया कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, यहां से और दो तीन क्वेश्चन बनते थे सर, प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा गया था टेम्परेचर फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, जो डायलिसेट का टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, यह क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया था। ओके, तो आपको लिखना है हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो जितना होता है उतना ही हमें पेरिटोनियल डायलिसेट का टेम्परेचर रखना होता है। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था जो पेरिटोनियल डायलिसेट के अंदर कौन सा फ्लूड लिया जाता है, तो पेरिटोनियल डायलिसेट के अंदर समझ लेना डिस्टिल्ड वाटर और जो सारे इलेक्ट्रोलाइट हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट सेम कॉन्सेंट्रेशन में हमारे डायलिसेट के अंदर होते हैं। ओके, यस, कमेंट कर देंगे, सब लोग कमेंट करेंगे कौन सी पोजीशन में रखेंगे बिफोर द प्रोसीजर, बिफोर द पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। कमेंट कर देना। देखिए, अगर सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं, अगर सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे प्रिया जी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये डायलिसेट हमें पूरी पेरिटोनियल कैविटी में, यस कमेंट करेंगे सब लोग, पूरी पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसेट घूमना चाहिए। ओके, ये जो है पूरा पेरिटोनियल कैविटी में ये डायलिसेट घूमना चाहिए, तो अगर सेमी फाउलर पोजीशन देंगे तो ये डायलिसेट सारा यहां पे आके भर जाएगा। ओके, यहां पे आके भर जाएगा। कौन सी पोजीशन देंगे, करेक्ट आंसर पुट कर दीजिए कौन सी पोजीशन देंगे। नो सुपाइन पोजीशन। आपको बिफोर प्रोसीजर पूछा गया है। ओके, बिफोर प्रोसीजर पूछा गया है। बिफोर प्रोसीजर देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिफोर प्रोसीजर आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चार ऑप्शन है आपके सामने। ओके, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हम पेशेंट को देंगे सर डॉर्सल रिकम्बेंट देंगे बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर, अगर यहां पे होता आफ्टर प्रोसीजर तो आपका आंसर आता सर सुपाइन। ओके, तो बिफोर प्रोसीजर है इसीलिए हम डॉर्सल रिकम्बेंट पोजिशन देंगे। ओके, सर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्यों देना है, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या होती है, पेशेंट ऐसा आपका सुपाइन तो लेटा है, सुपाइन लेटा है विथ नी फ्लेक्स होते हैं,
पेशेंट की जो है नी फ्लेक्स होते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं सर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ओके, फ्लेक्स नी होते हैं और सुपाइन पोजीशन में होता है, दैट इज कॉल्ड अ डॉर्सल रिकम्बेंट। ओके, ये डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या करेगी सर, ये करेगी आपकी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसको लूज कर देगी, दूसरा जो पेरिटोनियल का फ्लूइड है, जो पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड है उस फ्लूइड को सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑल ओवर द पेरिटोनियल कैविटी। ओके, दैट इज वाई वी विल गिव द डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर वी विल गिव सुपाइन पोजीशन। क्लियर है सबको, इसीलिए मैंने बोला था आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ओके, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट विथ हाइपरथायरॉइडिज्म इज टेकिंग लिथियम कार्बोनेट टू इनहिबिट थायरॉइड हार्मोन रिलीज, which complaint by the client should alert the nurse to a problem with the client medication। okay, patient lithium carbonate ले रहे हैं। okay, patient hyperthyroidism के है। okay, तो कौन सी complaint by the client should alert the nurse। okay, lithium carbonate ले रहे हैं patient। ओके, तो ऑप्शन देखना आपके सामने क्या है, ऑप्शन ए है द क्लाइंट कंप्लेंस ऑफ ब्लर विजन, ऑप्शन बी है द क्लाइंट कंप्लेंस ऑफ इंक्रीज थ्रस्ट एंड इंक्रीज यूरिनेशन, ऑप्शन सी है द क्लाइंट कंप्लेंस ऑफ इंक्रीज वेट गेन एंड ओवर द पास्ट ईयर, एंड ऑप्शन डी है आपके सामने द क्लाइंट कंप्लेंस ऑफ रिंगिंग इन द ईयर। कमेंट कर देना क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर पुट कर देना क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, देखिए लिथियम कार्बोनेट के बारे में जो हम ड्रग मूड स्टेबिलाइजर एज अ ड्रग यूज करते हैं सर, यह लिथियम कार्बोनेट की आपको सर लेवल पूछी जाएगी, थेरापीटिक लेवल। ओके, नॉर्मल लेवल कितनी होती है सर लिथियम कार्बोनेट की, तो आपका आंसर होगा सर 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर ml। यस, वेरी गुड स्वाति जी, वेरी गुड। ओके, नाउ आपको पूछा जाएगा सर टॉक्सिक लेवल कितनी होती है लिथियम कार्बोनेट की। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, टॉक्सिक लेवल कितनी होगी अगर यह मोर देन टू नैनोग्राम हो गया पर ml, तो आपको आप कहेंगे इसको टॉक्सिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम। ओके, सीरम लिथियम की नॉर्मल लेवल कितनी है सर 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर ml। सीरम लिथियम की टॉक्सिक लेवल कितनी है मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml। सीरम लिथियम ड्रग जो है आपका मूड स्टेबिलाइजर के लिए और आपका जो है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए यह ड्रग यूज किया जाता है। ओके, और इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको पूछा जाए तो इंक्रीज थ्रस्ट और इंक्रीज यूरिनेशन, दीज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा जाता है सर लिथियम का एंटीडोट क्या है लिथियम का, सोडियम क्लोराइड या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट।
ओके, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अब आपको पूछा जाएगा सर डोज फॉर मूड स्टेबिलाइजेशन, फॉर मूड डिसऑर्डर के लिए, मूड डिसऑर्डर के लिए डोज कितना होगा लिथियम कार्बोनेट का। ओके, आंसर लिखना, आंसर लिखना 600 to 900 mg पर डे। ओके, और इसको अब डिवाइडेड डोसेस में देना है तो 300 mg TDS आपको यह लिथियम कार्बोनेट को देना होता है डेली। ओके, क्लियर है। ओके, नाउ अब आपको नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बनेगा सर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिथियम कार्बोनेट की या फिर लिथियम टॉक्सिक लिथियम की सीरम लेवल कब कब चेक करनी होती है। ओके, तो आपको एवरी वीक जो पहले मंथ में एवरी वीक आपको लिथियम की टॉक्सिसिटी लेवल चेक करनी है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर कि लिथियम लेने वाले पेशेंट, जो पेशेंट लिथियम ले रहे हैं, ओके, तो लिथियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोडियम। ओके, लिथियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोडियम मतलब क्या है सर? मतलब क्या है कि अगर लिथियम की लेवल बढ़ जाती है, अगर लिथियम की लेवल बढ़ जाती है तो सोडियम की लेवल कम हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो भी पेशेंट लिथियम कार्बोनेट ले रहा है उस पर्सन के अंदर हमें सोडियम की लेवल मॉनिटर करनी है। किसकी लेवल मॉनिटर करनी है सर? सोडियम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर एन आर्टेरियोग्राम यूजिंग ए रेडियोपिक डाई। ओके, आर्टेरियोग्राम करना है पेशेंट का, आर्टेरियोग्राम यूजिंग ए रेडियो ओपेक डाई। द नर्स असेस विच मोस्ट क्रिटिकल आइटम बिफोर द प्रोसीजर। ओके, मोस्ट क्रिटिकल आइटम बिफोर प्रोसीजर कौन सा असेसमेंट करेंगे? ओके, देखना ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए वाइटल साइन, ऑप्शन बी है इनटेक एंड आउटपुट, ऑप्शन सी है हाइट एंड वेट, एंड ऑप्शन डी है एलर्जी टू आयोडीन और शेलफिश। एलर्जी टू आयोडीन और शेलफिश, कौन सी लेवल को या फिर कौन सा मोस्ट क्रिटिकल आइटम को हमारे नर्स असेसमेंट करेंगे अगर एक पेशेंट को आर्टेरियोग्राम करना है? कमेंट कर देना। वाइटल साइंस नहीं लेना है, वाइटल साइंस नहीं लेना है। यस, जो भी कोई कॉन्ट्रास्ट देंगे, जो भी पेशेंट के अंदर कोई भी कॉन्ट्रास्ट देंगे तो आपको सबसे पहले शेलफिश या फिर आयोडीन की एलर्जी आपको पेशेंट के अंदर चेक करनी होती है। एग की एलर्जी भी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। अगर पेशेंट के अंदर एग एलर्जी है तो हम डाई नहीं देंगे। यस, वेरी गुड। ओके, हमें पूछा गया है मोस्ट क्रिटिकल आइटम। ओके, देखना अब एक और क्वेश्चन में बताता हूं आपको। देखिए, जब भी कोई पेशेंट के अंदर डाई का क्वेश्चन आएगा कि डाई दे रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो एग, शेलफिश और आयोडीन, इन तीनों चीजों की आपको जो है एलर्जी चेक करनी होगी। ओके, अगर पेशेंट नॉन है कि एग की एलर्जी है तो हम आयोडीनाइज्ड डाई पेशेंट के अंदर नहीं देंगे। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर टू चेक द एलर्जी टू द आयोडीन और शेलफिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, FHS कैन बी ऑस्कल्टेट विद अ फिटोस्कोप as early as which of the following? Okay, FHS आपको कब ऑस्कल्टेट होंगे फिटोस्कोप के द्वारा?
FHS आपको कब असेस होंगे फिटोस्कोप के द्वारा? ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए है 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन बी है 10 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन सी है 15 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और ऑप्शन डी है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, अब आपको पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को मैंने तीन वर्ड मार्क किए हैं, तीन वर्ड के ऊपर फोकस करना, आपको एफएचएस असेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ फिटोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ फिटोस्कोप। क्या होगा करेक्ट आंसर, कब आपको असेसमेंट कर सकते हैं आप एफएचएस को विद द हेल्प ऑफ फिटोस्कोप? ओके, फिटल हार्ट साउंड, फिटल हार्ट साउंड कहते हैं एफएचएस को। नॉर्मल कितना होता है सर, नॉर्मल कितना होता है 120 to 160 आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ये जो हार्ट बीट है, ये जो हार्ट बीट है ये हो जाता है 140 बीट्स पर मिनट, और जैसे ही एज बढ़ता जाएगा बेबी के हार्ट बीट कम होने लगेंगे, बेबी के हार्ट बीट कम होने लगेंगे। ओके, तो आपको एक और 20 वीक्स के लिए एक और क्वेश्चन बनता है सर, आपका जो है क्विकनिंग, क्विकनिंग 20 वीक्स के लिए याद रख लेना, क्विकनिंग, क्विकनिंग कब होती है? प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर और मल्टी के अंदर, और आपको जनरली पूछा जाए तो क्विकनिंग होती है 20 वीक्स पे, क्विकनिंग होगी 20 वीक्स पे। अगर प्राइमरी और मल्टी स्पेसिफिक किया जाए तो प्राइमरी के अंदर, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 16 वीक्स पे और मल्टी ग्रेविडा के अंदर 18 वीक्स पे क्विकनिंग होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ओके, समझ लेना, समझ लेना, यहां पे जब भी हमें फिटोस्कोप से एफएचएस असेस करने हैं तो हम 20 वीक्स पे, 20 वीक्स पे हम फिटोस्कोप से एफएचएस को असेस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है सर कि फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड आप कब डेवलप होता है बेबी के अंदर, फर्स्ट हार्ट बीट कब जनरेट होता है? कमेंट कर देना बेबी के अंदर फर्स्ट हार्ट बीट कब जनरेट होता है। कमेंट कर दीजिए, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि बेबी के अंदर फर्स्ट हार्ट बीट कब डेवलप होता है। कमेंट कर दीजिए। ओके, अगर यह क्वेश्चन आपको पूछा जाए, यह अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो फर्स्ट हार्ट बीट, ओके, फर्स्ट हार्ट बीट, फर्स्ट हार्ट बीट जो है आप असेस कर सकते हो सर 5 to 6 वीक के दौरान, 5 to 6 वीक्स के दौरान। ओके, और आपको यह किससे असेस करना होगा सर, अल्ट्रासोनोग्राफी से, अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको फर्स्ट हार्ट बीट असेस करना होगा। ओके, फर्स्ट हार्ट बीट आपको 5 to 6 वीक के दौरान मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वेरी गुड, वेरी गुड, 21 डेज हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट समझ लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एन इंट्राक्रेनियल एनुरिज्म। ओके, इंट्राक्रेनियल एनुरिज्म है पेशेंट के अंदर। The nurse is interpret that which of the following is related to dysfunction of cranial nerve third. Cranial nerve third. Okay, तो आपके पास option है देखना, option A mild drowsiness, option B है ptosis of the left eyelid, option C है slight slurring of speech और option D है less frequent or लेस फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस स्पीच। समझ लेना, एक हमारे नर्स है, हमारे नर्स है जो कि एक इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म की पेशेंट को, एन्यूरिज्म की पेशेंट को असेस कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी असेसमेंट सजेस्ट करेगी डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड? इसके लिए आपको क्रेनियल नर्व याद होनी चाहिए, 12 क्रेनियल नर्व है सर हमारे पास, 12 क्रेनियल नर्व है। ओके, और ये एन्यूरिज्म का मीनिंग क्या है सर, एन्यूरिज्म का मतलब क्या है? ओके, एन्यूरिज्म का मतलब होता है सर आउट पाउचिंग, आउट पाउचिंग ऑफ ए
आर्टरी, ओके, आउट पाउचिंग ऑफ ए आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज एन्यूरिज्म, ओके, 12 क्रैनियल नर्व्स, सबने आंसर तो बता दिया, लेकिन 12 क्रैनियल नर्व्स कौन सी है, कौन सी 12 क्रैनियल नर्व्स है, देख लेना, ऑल फैक्ट्री, दूसरी है आपकी ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ है आपकी ट्रॉक्लियर, ओके, फिफ्थ है आपकी ट्राइजेमिनल, ओके, सिक्स्थ है आपकी एब्डुसेंट, ओके, सेवंथ है आपकी क्रैनियल नर्व फेसियल, ओके, एट्थ है आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर, ओके, नाइन्थ है आपकी ग्लॉसोफेरिंजियल, ओके, टेंथ है वेगस, एलेवेंथ है एसेसरी, और ट्वेल्थ है आपकी हाइपोग्लॉसियल, यस, वेरी गुड राम जी, ओके, तो इसको आपको अगर न्यूमोनिक्स में याद करना है, अगर इन सबको आपको न्यूमोनिक्स के अंदर याद करना है, तो याद करने के लिए हम क्या याद रखेंगे, वन ओल्ड ऑक्स टोल्ड टू ए फॉक्स, वर्षा गॉट ए वेरी स्मार्ट हस्बैंड, ओके, कैसे याद रखेंगे, वन ओल्ड ऑक्स टोल्ड टू ए फॉक्स, वर्षा गॉट ए वेरी स्मार्ट हस्बैंड, ओके, कैसे याद रखोगे, 12 क्रैनियल नर्व के लिए, ओके, न्यूमोनिक्स है, ओके, कमेंट में न्यूमोनिक्स पढ़ लेना, कौन सा है, वन ओल्ड ऑक्स टोल्ड टू ए फॉक्स, वर्षा गॉट ए वेरी स्मार्ट हस्बैंड, ओके, नाउ समझ लेना, इसके अंदर आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 12 क्रैनियल नर्व्स के अंदर क्या क्रैनियल नर्व है, ओके, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है सर, आपका कि कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी मिक्स नर्व है, ओके, 12 क्रैनियल नर्व्स के नाम तो सबको याद रहेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन की जो है कंपटीशन बढ़ रही है, क्वेश्चन की कंपटीशन और लेवल जो है क्वेश्चन पूछने की वो बढ़ रही है, तो आपको पूछा जाएगा सर कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी नर्व आपकी मिक्स नर्व है, ओके, तो लिख लेना यहां पे, पहले लिख लेना सेंसरी, दूसरी मोटार और मिक्स नर्व, ओके, सर सेंसरी नर्व में आती है आपकी 1, 2 और 8, ये हो गई 3 आपकी सेंसरी नर्व, ओके, और आपका मोटार नर्व के अंदर 3, 4, 6, 11 and 12, ये सारी हो जाएगी आपकी मोटार नर्व, ओके, और मिक्स नर्व के लिए 5, 7, 9 and 10, ये हो जाएगी आपकी सारी मिक्स नर्व, ओके, ये क्वेश्चन बनते हैं सर, ये क्वेश्चन बनेंगे आपको, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है, या फिर कौन सी मिक्स नर्व है, ओके, तो देखिए इसको याद करने के लिए आपको या तो उस वर्ड को समझना पड़ेगा कि वो क्या काम करता है, ओके, इससे याद रख सकते हो, ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनता है सर, इन नर्व्स का ओरिजिन, कौन सी नर्व का ओरिजिन कहां से होता है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम में देखने को मिला है, कौन सी नर्व का ओरिजिन कहां से होता है, तो देख लेना, इसको इजीली याद रहेगा, सबको इजीली याद रहेगा, लिख लेना यहां पे 4 नाम, सेरेब्रम,
सेरेब्रम, हम ब्रेन की ऊपर की पार्ट से जा रहे हैं, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉन्स, पॉन्स, और नेक्स्ट आएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो अब कौन सी नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है? ओके, तो लिख लेना, सेरेब्रम के अंदर से फर्स्ट और सेकंड नर्व ओरिजिनेट होती है, फर्स्ट और सेकंड क्रैनियल नर्व ओरिजिनेट होगी। ओके, मिड ब्रेन के अंदर से थर्ड और फोर्थ क्रैनियल नर्व ओरिजिनेट होगी। ओके, फर्स्ट और सेकंड का मतलब, फर्स्ट और सेकंड का मतलब आपकी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक। ओके, थर्ड और फोर्थ मतलब ट्राइजेमिनल, सॉरी आपकी ऑक्युलोमोटर, ऑक्युलोमोटर एंड ट्रोक्लिया। ओके, पॉन्स के अंदर से, पॉन्स के अंदर से आपको 5, 6, 7, 8, ओके, ये सारी नर्व पॉन्स के अंदर से आपको ओरिजिनेट होगी। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा से 9, 10, 11 एंड 12, ये सारी चार क्रैनियल नर्व आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होगी। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा सबको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए होम केयर नर्स असेस एन ओल्डर क्लाइंट्स फंक्शनल स्टेटस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। द नर्स फोकसेस द असेसमेंट ऑन, किसके ऊपर आप असेसमेंट फोकस करोगे? ओके, आपकी पेशेंट की स्टेटस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म डेली लिविंग एक्टिविटी। ओके, डेली लिविंग एक्टिविटी को असेस करने के लिए, ओके, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है एवरीडे रूटीन, ऑप्शन बी है सेल्फ केयर एक्टिविटीज, ऑप्शन सी है हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी है एंड्यूरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्यूरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, कौन सी एक्टिविटी या फिर कौन सी फोकस असेसमेंट करेंगे हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको पेशेंट की स्टेटस ऑफ डेली लिविंग एबिलिटी को असेस करना है तो सबसे ऊपर, यस यस, सब लोग कमेंट करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन बी, सेल्फ केयर एक्टिविटी, सेल्फ केयर एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट इज इंपोर्ट इट्स मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैज हेमोरॉइडेक्टॉमी, हेमोरॉइडेक्टॉमी। पोस्ट ऑपरेटिव डाइट आपको पूछा गया है। ओके, मोस्ट एप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव डाइट फॉर ए हेमोरॉइडेक्टॉमी पेशेंट। ओके, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन बी है लो रेसिड्यू डाइट, ऑप्शन सी है ब्लैंड डाइट एंड ऑप्शन डी है क्लियर लिक्विड्स। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है हमारा जिसके हेमोरॉइडेक्टॉमी हो गई है, तो कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट होगी इस पेशेंट के लिए, कौन सी डाइट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी हेमोरॉइडेक्टॉमी के पेशेंट के लिए, कमेंट कर देना। ओके, और देखिए सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और अपने अपने ग्रुप में कृपया इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको डेली जो क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कौन सी डाइट देंगे हेमोरॉइडेक्टॉमी के पेशेंट को, हेमोरॉइडेक्टॉमी की पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे? कमेंट कर देंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। समझना है, ओके, समझना है हमें यहाँ पे। ओके, हर एक डाइट के बारे में समझ लेते हैं। ओके, ये जो हाई फाइबर डाइट है,
ये जो हाई फाइबर डाइट है, ये हाई फाइबर डाइट दी जाती है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको हाई फाइबर डाइट दिया जाएगा। लो रेसिड्यू डाइट कब देते हैं सर? लो रेसिड्यू डाइट कब देते हैं? बिफोर सर्जरी हम देते हैं सर लो रेसिड्यू डाइट। क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन बनेगा आपको पूछा जाएगा सर बिफोर सर्जरी कौन सी डाइट देनी है? लो रेसिड्यू। कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डाइट देंगे? हाई फाइबर डाइट। ओके, ब्लैंड डाइट कब देंगे सर? ब्लैंड डाइट देंगे सर मैनेजमेंट ऑफ अपर जीआई को मैनेज करने के लिए, अपर जीआई की मैनेजमेंट करने के लिए हम कौन सी देंगे सर? ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट का मतलब होता है नो स्पाइसी फ्राइड और रॉ फूड। इसके अंदर आता है आपका ब्लैंड डाइट। क्या कहते हैं उसको? जिस फूड के अंदर ब्लैंड डाइट के अंदर नो स्पाइसी, नो फ्राइड और नो रॉ फूड, उसको कहते हैं सर ब्लैंड डाइट। ओके, करेक्ट आंसर पुट करना है क्लियर लिक्विड डाइट। ये किसके लिए देते हैं सर? प्लीज, किसके लिए देते हैं क्लियर लिक्विड डाइट? टू रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ बल्क स्टूल। ओके, बल्क स्टूल को फॉर्म करने से बचाने के लिए हम क्लियर लिक्विड डाइट देंगे सर, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ओके, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द नर्सिंग केयर प्लान क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास, ए रिटन गाइडलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ऑप्शन बी, ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लाइंट केयर। ऑप्शन सी है, ए प्रोजेक्शन ऑफ पोटेंशियल अल्टरेशंस इन द क्लाइंट बिहेवियर। और ऑप्शन डी है, ए टूल टू सेट गोल्स एंड प्रोजेक्ट आउटकम्स। देखिए क्या है नर्सिंग केयर प्लान क्या है? ओके, ऑप्शन समझ लेना, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या फिर एक रिटर्न गाइडलाइन है इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन करने के लिए। ओके, मतलब जो हम केयर के बारे में सोचेंगे उसको इंप्लीमेंट करके इवेल्युएशन करने के लिए। या फिर ऑप्शन बी में आपको पूछा गया है, ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए क्लाइंट केयर। ओके, सारी जो क्लाइंट केयर का एक डॉक्यूमेंटेशन है। या फिर ऑप्शन सी है आपके पास, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए पोटेंशियल अल्टरेशन, मतलब जो पेशेंट को पोटेंशियल अल्टरेशन होने वाले हैं क्लाइंट्स की बिहेवियर के लिए, उसको प्रोजेक्ट करना। या फिर एक टूल है जो कि आउटकम को प्रोजेक्ट करने के लिए असेस किया जाता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर पुट कर दीजिए। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? What is nursing diagnosis? या nursing care plan? Okay, देखना nursing care plan के अंदर क्या-क्या आता है? Okay, सात चीजें आएगी। पहले आता है आपका assessment। दूसरा आएगा सर nursing diagnosis। थर्ड आएगा सर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम। नेक्स्ट आएगा सर आपका प्लानिंग। नेक्स्ट आएगा आपका इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आएगा आपका रैशनल, क्यों आप वह इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो।
और नेक्स्ट आएगा आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये सारी चीजें आएगी आपकी नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। ओके, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट दो प्रकार की है सर। एक होती है सर सब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट, ओके, और एक होती है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ऑब्जेक्टिव साइन। ओके, ऑब्जेक्टिव साइन। ओके, नाउ नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट असेसमेंट जो हमने पेशेंट ने हमें बताया और हमने कुछ ऑब्जर्व किया, उन सारे को मिलाकर एक हम नर्सिंग का डायग्नोसिस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस। ओके, नंदा डायग्नोसिस के बेसिस पर हम क्या करेंगे सर, नर्सिंग का डायग्नोसिस बनाएंगे। ओके, उस डायग्नोसिस के बेसिस पर, उस डायग्नोसिस की बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड आउटकम यहां पे लिखेंगे कि हमने जो डायग्नोसिस किया है उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। ओके, इसके बाद हम एक्सपेक्टेड आउटकम सेट करने के बाद हम प्लान करेंगे हमारी केयर को। सबसे पहले केयर को प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या करना होगा उस एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, जब हमने प्लान कर लिया उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उस जो जो चीजें हमने प्लान की थी अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्यों कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों कर रहे हैं उसके बारे में रैशनल को लिखेंगे। और लास्ट में ये जो सारी हमने एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये जो सारी हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है वो अचीव हो गए या नहीं हो गए, पार्शियली अचीव, फुल्ली अचीव या फिर नॉट अचीव आपको लिखना होगा। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीजें सबको पता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए रिटर्न गाइडलाइन। ओके, रिटर्न गाइडलाइन है आपकी इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन के लिए। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू ए सेंट्रल वेनस कैथेटर। ओके, हमारे एक पर पेशेंट है जो कि सेंट्रल वेनस कैथेटर से टीपीएन चल रहा है। ओके, टीपीएन चल रहा है, विच एक्शन शुड द नर्स प्लान टू इंप्लीमेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंफेक्शन। ओके, विच एक्शन, एक नर्सिंग, कौन सी नर्सिंग की एक्शन पेशेंट के अंदर इंफेक्शन को कम कर सकती है, कौन सी नर्सिंग के एक्शन पेशेंट के अंदर इंफेक्शन को कम कर सकती है। ऑप्शन ए है ट्रैक द क्लाइंट्स ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक इंट्राविनसली, ऑप्शन सी है इवेल्युएट द डिफरेंशियल ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी है यूज स्टराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंज। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एक पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा हुआ है, उस पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट के अंदर इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी नर्सिंग एक्शन क्या होगी सर, हमारी नर्सिंग एक्शन क्या होगी, कमेंट कर देना क्या होगी नर्सिंग एक्शन एक सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। यस, सब लोग क्वेश्चन का आंसर पुट करेंगे। देखिए ये क्लैप्सी, क्लैप्सी क्या है सर, ये आपका एक इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का बंडल है, इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का यह एक क्लैप्सी बंडल है। ऐसे ही बंडल जो है अदर बंडल भी है, जैसे कि आपका वेंटिलेटर असोसिएटेड न्यूमोनिया का बंडल होता है, आपका यूरिनरी कैथेटर के लिए कॉटी का बंडल होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन को ट्रैक करने के लिए। ओके, नाउ अब समझ लेना इस क्लैप्सी बंडल के अंदर क्या क्या आता है,
क्लैपसी बंडल के अंदर, जब आपने माइक्रोबायोलॉजी की क्लास देखी होगी, माइक्रोबायोलॉजी की क्लास देखी होगी, वहां पे सारे बंडल के बारे में डिस्कस किया था, ओके? जब भी क्लैपसी के बंडल के बारे में याद आएगा, ओके? या फिर क्लैपसी की बंडल के बारे में या कोई भी बंडल के बारे में पूछा जाएगा आपको, ओके? तो आपको तीन चीजें पहले याद रखनी है, तीन चीजें पहले याद रखनी है, हैंड हाइजीन, असेप्टिक टेक्निक, और तीसरा है डेली नीड असेसमेंट। ओके, बंडल का मतलब क्या है सर? बंडल का मतलब होता है एक बंच ऑफ रूल सेट कर दिए गए हैं टू प्रिवेंट द कैथेटर एसोसिएटेड ब्लडस्ट्रीम इंफेक्शन को। ओके, तो तीन रूल पहले है आपके, हैंड हाइजीन करना है, जब भी उस सेंट्रल लाइन को टच करना है हैंड हाइजीन करना है, असेप्टिक टेक्निक को हमेशा फॉलो करना है, और डेली नीड को असेसमेंट करना है। देखिए, जितने अगर अननेसेसरी है तो एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल नर्स आप डॉक्टर को एडवाइस कर सकते हो कि सर इस डिवाइस की आज पेशेंट को जरूरत नहीं है, कृपया आप इसको रिमूव करने का ऑर्डर दे दीजिए। आपको खुद नहीं रिमूव करना है, बट यू कैन एडवाइस टू द डॉक्टर, दैट सर दिस पेशेंट इज नॉट नो मोर नेसेसरी फॉर दिस लाइन, सो वी कैन रिमूव इट। यस, बट आपको क्लैपसी बंडल के बारे में और याद रखना है, ओके? डेली नीड असेसमेंट किया जाएगा आपका, ओके? और आपको डेली ड्रेसिंग करना होता है, ओके? डेली ड्रेसिंग करना होता है सेंट्रल लाइन का डेली ड्रेसिंग करना होगा। नेक्स्ट आपको सेंट्रल लाइन की असेसमेंट के लिए, ओके, नंबर ऑफ पोर्ट को मिनिमम रखना है सर, नंबर ऑफ पोर्ट मतलब क्या कि कितनी लाइन के द्वारा, कितनी लाइन है या फिर कितने वे है जहां से आप मेडिकेशन, आईवी फ्लूइड, टीपीएन, बीटी या कुछ भी आप दे सकते हो, उन नंबर ऑफ पोर्ट को आपको कम से कम रखना है, ओके? नेक्स्ट आपको क्लैप्सी को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये जो पोर्ट होंगे उनको क्लीन करना है 70% इथाइल अल्कोहल से, जब भी आप मेडिकेशन या फिर कोई भी ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ओके? नाउ अब समझ लेना आपको क्वेश्चन क्या बनेगा सर, नॉर्मल सीवीपी का, ओके? सीवीपी को भी मॉनिटर करना है, जिस पेशेंट के अंदर सेंट्रल वेनस लाइन पुट कर दी गई है उस पेशेंट के सीवीपी को भी असेस करना है। नॉर्मल सीवीपी कितना होगा सर? 3 to 8 mm of Hg। किससे मॉनिटर करते हैं सर? मैनोमीटर से आप इसको चेक करते हो, ओके? किससे मॉनिटर करते हैं सीवीपी का प्रेशर? मैनोमीटर से, ओके? क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे क्लैप्सी के लिए, ओके? नाउ अब समझ लेना यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ओके? यूज स्टेराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंज, ओके? स्टेराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंज, यस, स्टेराइल गॉज से आप कवर कर सकते हो। ओके, लेकिन जब भी आप कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट या मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आपको उस पोर्ट को 70% इथाइल अल्कोहल से आपको क्लीन करना होगा, ओके? क्लीन करना होगा, यस, वेरी गुड, ओके? तो यहां तक ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएचएस डीएमईआर एग्जाम के एमसीक्यू, ओके? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके? और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे, ओके? मेरा नंबर मैं आपको यहां पे पुट कर देता हूं, ओके?
ओके, इस नंबर पे आप संपर्क करके अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।